आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट यूज्ड इन एमपीवी रिएक्शन आर रिएक्शन कौन सी है मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन तो अगर मैं एमपीवी रिडक्शन की बात करूं मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन की तो इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है कैटेलिस्ट होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ठीक है अब मैं फॉर्मूला अगर लिखती हूँ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का तो वो होगा एम ई टू सी एच ओ ये हो गया आइसोप्रोपोक्साइड ठीक है एंड एल्यूमिनियम ये हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और सोलवेंट जो होता है इसमें ये तो था कैटलिस्ट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और सोलवेंट की अगर बात करते हैं तो वो होता है आइसोप्रोपेनॉल आइसोप्रोपेनॉल आइसो प्रोपेनोल ठीक है तो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं आइसोप्रोपेनॉल मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा एल्कोल यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम ई टू सी एच ओ एच ठीक है तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था ना इसमें कोई मैकेनिज्म पूछा है ना कोई प्रोडक्ट पूछा है सिर्फ पूछा गया है कि मिर्विन पंड्रो फर्ले रिडक्शन में केटलिस्ट कौन सा यूज होता है वो होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और सोलवेंट क्या होता है आइसोप्रोपेनोल तो दोनों का फॉर्मूला भी हमने लिख लिया है अब मैं ऑप्शन अगर चेक करते हूँ तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और मिथेन सॉरी आइसोप्रोपेनोल ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे क्या सेकंड ऑप्शन में जो कंपाउंड गिवन है वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड नहीं है यहाँ पे तीन मिथाइल के ग्रुप हो गए ठीक है तो ये रॉन्ग हो गया और यहाँ पे जो सोलवेंट बोला गया उसमें भी किटोनिक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे भी किटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी रॉन्ग हो गया और इसमें यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप जोड़े हैं तो ये भी रॉन्ग हो गया तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा है हमारे पास सिर्फ ऑप्शन वन अब अगर मैं इस रिएक्शन के रिएक्टेंट uh, क्या होता है और इससे प्रोडक्ट क्या बनता है उसका अगर डिस्कशन करूं तो सपोज कीजिएगा मैंने रिएक्टेंट कंसिडर कर लिया है ये बेंजीन रिंग ठीक है इसके साथ यहाँ पे आई आइडीन कोई भी ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है सी डबल बोन्ड ओ एम ई ठीक है इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ठीक है और सोल्वेंट क्या यूज किया है आइसोप्रोपेनोल यानी कि एम ई टू सी एच ओ थ्राइस ए एल एलुमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और एम ई टू सी एच ओ एच आइसो प्रोपेल तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है इस रेक्शन से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आयोडिन एजिटिज यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा ठीक है फिर इस कार्बन पर ये जुड़ बन जाएगा ओ OH, एच फिर ये एम ई और यहाँ पे हाइड्रोजन ठीक है मतलब क्या हो गया यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप था इसका रिडक्शन हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया एल्कोल में थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ